हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बाकी हम भी ठीक हैं और लगे हुए हैं अपने कामों पे। अभी मैं थोड़ा काम कर रही थी तो थक गई, मैं यहाँ पे बैठ गई। मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, फिर उसके बाद और काम शुरू करूँगी। आजकल काम बहुत हो रहा है यहाँ पे। अभी मुझे थोड़ा ऊपर भी जाना है, गेहूँ डालने हैं धूप में। देखती हूँ अगर बंदर नहीं आए तो। यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं। आप लोगों के यहाँ भी बंदर हैं क्या? नहीं तो यहाँ से ले जाओ थोड़ा सा, यहाँ बहुत बंदर हो गए, परेशान हो गए इन बंदरों से। अगर आपके यहाँ बंदर नहीं है तो यहाँ से थोड़ा ले जाओ, हो जाएंगे बजरंग बली। लेकिन परेशान बहुत करते हैं, कुछ चीज़ भी बाहर कैसे रखनी है, पर वहीं पे बैठा रहना पड़ेगा फिर। इसलिए मैं अभी नहीं डालती हूँ, अभी मुझे थोड़ा किचन में काम है। अभी अपने लिए नाश्ता बनाना है मैंने, और टफी के लिए भी, और दो बाहर बैठे हैं उनके लिए भी। अभी तो नहीं है, शायद बाहर पे चले गए, लेकिन आएंगे वो खाना खाने के लिए। एक एक रोटी उनके लिए भी देनी है। बस फिर करते हैं आपसे बात जब मैं ऊपर छत पे जाऊंगी। अभी तो यहीं पे हूँ, अभी मिस्त्री लोग भी नहीं आए काम पे, आ जाएंगे अभी थोड़ी देर। 9 तो बज गए, शायद 9 बज गए, अब आने वाले होंगे, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे वो लोग। तो मुझे अभी अलमारी पूरी बनी नहीं है, आप लोगों को देखना है तो आपको दिखाती हूँ मैं। बनी अलमारी अभी, इस पे माइका लगी है खाली, और ड्रेसिंग पे अभी नहीं हुआ काम, आज हो जाएगा शायद, आज फाइनल हो जाएगा। अभी इस पे बाहर से स्टिकर लगा हुआ है, ये निकला नहीं अभी, ये इन्होंने थोड़ा फिट कर रखे हैं। अभी इस पे काम बाकी है, शायद आज कर ले पूरा। बस खाली ये लगा रखे हैं, इनका सामान है। अभी ऊपर के पट्टे नहीं लगाए, अभी काम है आज के लिए, शायद कल तक चलेगा, देखते हैं कब तक चलता है। इतना ही हो पाया, टाइम बहुत लग रहा है इस पर। ऐसे वाली माइका लगाई मैंने क्योंकि हमारे इस पे मैच हो रहा है ना, ये दरवाजे भी इसी कलर के हैं, ऊपर फॉल सीलिंग भी इसी कलर की है। तो मैंने सोचा ड्रेसिंग पे अलमारी पे भी यही कलर लगा लेते हैं, ठीक रहेगा। जैसा भी है आप लोग कमेंट करके बताना कलर ठीक चूज़ किया या नहीं किया। तो उन्होंने इतने ज़्यादा कलर दिखाए कि कुछ समझ में नहीं आया कि कौन सा कलर चूज करें। मैं कंफ्यूज जैसे हो गई थी कि क्या लगाऊं कैसे लगाऊं। ये भी अभी ऐसी है, आज इसको भी करेंगे वो लोग। उस समय मुझे इतने कलर दिखाई दिए उसमें माइका के कि कुछ समझ में नहीं आया क्या करूं, किससे पूछूं। फिर मैंने सोचा कि दो ही कलर हैं कमरे में, एक तो ब्राउन, लाइट ब्राउन है, और एक ये वाइट, पिंक वाइट है और हल्का क्रीम जैसे, यही है। तो मैंने वो ही चूज़ किया। फिर फोन, बच्चों को फ़ोन करके पूछा था कौन सा कलर लगाएं, तो उन्होंने भी वही बोला कि जो दरवाजों पे कलर है वही लगाओ कि ठीक। तो मैंने वही लगा दिया, लेकिन कलर बहुत प्यारे प्यारे थे उसमें, अच्छे अच्छे कलर दिख रहे थे, पर मैं चूज नहीं कर पाई। चलो वो भी अच्छा लग रहा है, मैचिंग मैचिंग हो जाएगा पूरे कमरों में। और फिर बच्चों का भी मान के मैंने कहा चलो, वो कह रहे हैं कि दो ही कलर हैं कमरे में तो वही कलर लगाओ, मतलब अलग अलग मत करो उनको। तो मैंने वही चूज किया। फिर अभी हम लोगों ने पर्दा पुर्दा कुछ नहीं लगाया है,
पर्दे वही पुराने हैं, लगाएंगे धीरे धीरे करके, जैसे बजट बनेगा वैसे ही करेंगे। चलो मैं चलती हूँ किचन में, किचन की ओर, थोड़ा नाश्ता बना लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। बाय।